मेरी ओर से मेरी ग्लैम फैमिली को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका ग्लैम पेटल्स में। दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो वहां भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है glampetals_ज्योति। और दोस्तों, मैंने अपनी करवा चौथ ब्लॉग शेयर किया था आप सबके साथ, और भी मैंने एक दो ब्लॉग शेयर किए थे जिसपे मैंने एक पेंडेंट पहना था, सेट पहना था ग्रीन, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और मुझे बहुत पूछ रहे थे सभी कि ये आपने कहाँ से लिया और कितने में लिया। तो मैंने सोचा आज मैं यही बात आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं कोई साड़ी वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, दिवाली का टाइम है, आज दिए जला चुके हैं, पूजा हो चुकी है, तो सोचा थोड़ी सी बातें आप सबके साथ भी कर लूँ। तो चलिए मैं बता दूँ आप सबको कि मैंने मीशो से वो सेट कितने में लिया है, और साथ ही साथ मैं कुछ और भी चीज़ें दिखाऊँगी जो मैंने मीशो से मंगवाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस साड़ी के बारे में, जिसका मैंने एक हॉल वीडियो भी शेयर किया था आप सबके साथ कि मैंने मीशो से क्या क्या मंगवाया, जिसमें से मैंने कुछ साड़ीज़ मंगवाई थी और कुछ सेट मंगवाए थे, ज्वेलरी सेट वगैरह मंगाए थे, तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज मैंने दिवाली वाले दिन ये साड़ी पहनी हुई, तो इसके बारे में भी आपको मैं फिर से बताऊँ। तो ये साड़ी जो है मैंने मीशो से ही मंगवाई थी, और ये बहुत ही मुझे अच्छे प्राइस में मिली थी, बहुत ही सस्ती मिली थी, और इसे आप सबने बहुत पसंद किया और मुझे भी अब बहुत पसंद है। ये क्या मटेरियल है मैं आपको नीचे लिख दूंगी, मुझे अभी उतने अच्छे से याद नहीं क्योंकि इसे मंगवाए को मुझे 1 महीने से कुछ ऊपर ही हो चुका है। तो बस इसका प्राइस मैं आपको बता सकती हूँ, इसका प्राइस है 381 रुपीज़। तो बहुत ही सस्ती मिली मुझे, और इसका ब्लाउज पीस भी साथ आया है। जो ये बॉर्डर आप देख रहे हो ना, ये कृष्ण राधा जी बने हुए हैं, ये बॉर्डर की वजह से ये साड़ी की जो खूबसूरती है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो बॉर्डर में प्रिंट आपको नज़र आ रहा है ना, इसी प्रिंट का जो है ब्लाउज आया हुआ है, जो मैंने अभी तक स्टिच नहीं करवाया है क्योंकि दुर्गा पूजा और काली पूजा के टाइम में, दिवाली के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा टेलर के पास काम था, बहुत ऑर्डर्स थे उनके पास। तो उन्होंने कहा था कि अब मुझे ये अगर मैं स्टिच करवाती हूँ तो मुझे दिवाली के बाद ही मिलेगा। तो दिवाली ओवर हो गई है, अब छठ पूजा के बाद ही मैं उन्हें ये देख रहा हूँ कि ब्लाउज स्टिच करने के लिए। तो बात कर रही थी मैं कि ये वाली साड़ी मैंने मीशो से मंगवाई है, बहुत ही सस्ती आपको मीशो से चीज़ें मिल जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि कम है उनका प्राइस तो आपको चीज़ें अच्छी नहीं मिलती है। मैंने ये साड़ी मंगवाई है और मैंने इसे पहना है अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, और मुझे भी ये पहनने में बहुत कम्फर्टेबल लगता है, बहुत आसानी से मैं इसे पहन लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी प्लीट्स कितनी अच्छी तरह से बन गई है। तो आप भी अगर चाहें तो मीशो से मंगवा सकते हैं। मैं इसका लिंक तो नहीं आता है, इसमें कोड दिया होता है, तो वो कोड अगर आप देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका कोड दे दूंगी, आप अगर मंगाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, ये जो ब्लाउज पीस है ना, ये इसके साथ उतना मैचिंग नहीं है, पर क्योंकि दिवाली का मौका है, मुझे पूजा के टाइम थोड़ा सा कलरफुल पहनना अच्छा लगता है, पर ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने ये साड़ी पहनी, और क्योंकि एकदम न्यू थी, न्यू कपड़ा पहनना होता है, तो मैंने ये साड़ी पहनी है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो शूट किया था इस साड़ी के ऊपर, उसके बाद मैंने फिर से अच्छी तरह से रख दी थी। तो आज बिल्कुल दिवाली के टाइम में नई साड़ी या जो भी आप पहनो, नया पहनना होता है, तो मैंने सोचा आज मैं यही पहनती हूँ। और इसके साथ मैंने ब्लैक ब्लाउज, पहले आपने अगर मेरे वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ब्लैक क्रॉप टॉप पहना हुआ था, तो आज मैंने ब्लैक नहीं पहना है, मैंने ये पहना है। ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है और ये 2 दिन पहले डिलीवर हुआ है मुझे, जबकि इसकी डेट थी 17 नवंबर को मिलने की, पर ये एडवांस मुझे मिल गया है, तो मैंने सोचा कि उन्हें दिवाली के मौके पे ये पहन लिया जाए। तो ये मुझे मिला है क्रॉप टॉप, और एक्चुअली इसका रेट था 223 रुपीज़, तो डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 157 रुपीज़ का मिला। तो आप भी चाहे तो मंगवा सकते हैं, इसका भी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो सबसे खास चीज़ जिसके बारे में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा था वो है ये सेट, जो मैंने अपने करवा चौथ वाले ब्लॉग में आपने मुझे देखा होगा इस सेट को पहने हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो सेट, बहुत ही प्यारा सेट है, आप अगर देखो तो मैं उसकी पिक्चर भी साइड में लगा दूंगी अगर आप देखना चाहें तो। तो ये सेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सेट पहना हुआ इतना खूबसूरत लगा, इतना प्यारा लगा, बिल्कुल नज़दीक से देखिए इस सेट को। तो ये सेट पहना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने अपना एक लाइव वीडियो में भी आई थी तो मैंने यही वाला सेट पहना हुआ था, जिसपे मैंने अपने ग्लैम पेटल्स का 1 साल का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, क्योंकि हमारी ग्लैम फैमिली को 1 साल हो चुके, आपके इस चैनल को 1 साल हो चुका है 12 नवंबर को। तो मैंने उस दिन लाइव आकर के सेलिब्रेट किया था, केक बनाया था, तो उसमें भी मैंने यही वाला जो सेट पहना हुआ था जिसके बारे में आप सबने बहुत पूछा था, तो सोचा मैं आज
कोई सारी का वीडियो नहीं लेकर आऊंगी, बस यही मैं आपको बता दूं कि मैंने ये कहाँ से लिया है, क्योंकि एक एक को आंसर करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो ही बना दूं छोटा सा, उसमें आप लोगों को बताऊं कि ये मेरा बेटा अंदर फोन पे गेम खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो थोड़ा सा वॉइस आ रही होगी तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो ये वाला सेट जो है मैंने मंगवाया था, इसके साथ इयर रिंग्स भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इयर रिंग्स, बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से इयर रिंग्स है। तो ये पहने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल हल्के फुलके से हैं, बिल्कुल हल्के फुलके से, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं लगेगा पहन करके, बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। आप बहुत देर तक इसे पहन करके रख सकती हैं बहुत आराम से, क्योंकि मुझे हमेशा हैवी इयररिंग्स पहनने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख पाती हूँ। मुझे भारी सेट कान में इयररिंग्स वगैरह भारी कुछ भी होना मैं नहीं पहन पाती हूँ, तो मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि हल्का फुल्का सा है। मैं इसके बारे में भी बता दूँ जब सारी बातें हो ही रही है, ये मैंने कहीं से मंगवाया नहीं, ये मैंने खुद बनाया है घर पे, और इसके इयररिंग्स भी मैंने जो है खुद ही बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो ये साड़ी के साथ थोड़ा सा हल्का सा मैच हो रहा था तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। अगर आप इसे बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है अपने दूसरे चैनल अपना सहारा खुद बनो में, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, आप मुझे लगता है बिना वीडियो देखे भी बना सकते हो, अगर आप खुद अगर देख करके आइडिया लगा सकते हो मैंने कैसे बनाया तो आप ज़रूर बनाएं। घर में बहुत सारे मोती वगैरह पड़े रहते हैं तो आप बना सकते हैं अगर आपके पास है, क्योंकि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट है मेरा वो चैनल जो है पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट का ही है, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो ये मोती मेरे पास पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ एक सेट बना लूँ। तो मैंने ये बनाया और ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, बहुत ही प्यारा लगा, कलर भी इसका इतना खूबसूरत है, तो मैंने इसे आज पहन लिया दिवाली के मौके पर। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मैं आपको यही बताने आई थी कि मैंने ये सब कहाँ से लिया है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे तो सोचा अलग अलग को रिप्लाई देने से अच्छा है एक छोटा सा वीडियो ही शूट कर लूँ। दिवाली के मौके पर आप सबको शुभकामनाएं भी देना चाहती थी, तो बस यहीं पर अपना वीडियो अब समाप्त करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं, तो आप सबको मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। वीडियो में अगर आ ही गए हैं और यहाँ तक मेरे साथ अभी तक बने ही हुए हैं तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरी शुभकामनाएँ सब तक पहुँच सके। और अगर आपने मेरे को पहली बार देखा है, मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके और मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।